हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूट्यूब के लिए एक वीडियो को क्रिएट कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन में उसको एडिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करने से पहले आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना होगा, आप क्या डिलीवर करना चाहते हो अपने ऑडियंस को। देन उसके बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या फिर आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपनी वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक कैमरा है तो आप उससे क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उससे भी आप एक अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अपनी वीडियो को हम कैसे एडिट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल की तरह। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा एंड एडोब प्रीमियर प्रो। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बट ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है काइन मास्टर एंड पावर डायरेक्टर। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों में से किसी एक का भी यूज़ करते हो तो आप अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, वो है काइन मास्टर। सो फ्रेंड, ये बेस्ट एप्लीकेशन है स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो अपने काइन मास्टर में। सो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एडिटिंग से रिलेटेड सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो अब आप यहाँ पर एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए आपको मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वीडियो जिस भी फोल्डर में है वहाँ से आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, हमारा वीडियो अब टाइमलाइन पर ऐड हो गया है, तो अब यहाँ पर हम फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, या फिर कोई इमेज या वीडियो को ऐड कर सकते हो, या फिर अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक को लगा सकते हो। फ्रेंड, उसके लिए हमको लेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, अब यहाँ पे आप जो चाहो वो लिख दो, उसके बाद लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, अब आप अपने वीडियो में टेक्स्ट को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। इसकी साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। टेक्स्ट कितने समय के लिए आपके स्क्रीन पर शो होगा वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको टेक्स्ट के लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के लेयर को एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन शो हो जाएंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन एनिमेशन ऐड करने के बाद आपको आउट एनिमेशन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर भी मैं पॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहो तो अपने टेक्स्ट में साउंड इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। साउंड इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना है। अब मैं अपने डिवाइस से पॉपअप साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके डिवाइस में साउंड इफेक्ट नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके इजिली अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अपनी वीडियोज़ के ऊपर कोई इमेज या वीडियो को कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए हमको फिर से लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमको मीडिया पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, अब आप यहाँ से अपनी कोई भी इमेज या वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज को अपनी वीडियो में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। उसकी साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसकी टाइमिंग को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली बात करते हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में बैकग्राउंड म्यूज़िक को कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना है। अब आपके डिवाइस में जहाँ भी म्यूज़िक है वहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो अपनी म्यूज़िक की लेंथ को कम कर सकते हो। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने अपने बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक लगाया है उसके वॉल्यूम को हमको कम करना है। उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए हमको म्यूज़िक के लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर एक वॉल्यूम का आइकन दिख जाएगा, और उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको 100% वॉल्यूम मिलेगा, तो इसको डिक्रीज़ करके आपको 15-20 के बीच में ले आना है। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा सकते हो। सो फ्रेंड, फाइनली हमारा वीडियो एडिट हो गया है, तो अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए ऊपर आपको सेव का एक आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन में आपको फुल एचडी 1080p रखना है, और फ्रेम रेट में आपको 30 रखना है, और यहाँ से इसका बिट रेट कम करके आपको 10 पर ले आना है, और सेव एज अ वीडियो पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, ऐसे आपका एक परफेक्ट वीडियो एडिट हो जाएगा।
सो गाइस ऐसे ही आप भी अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब वीडियो को क्रिएट कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप काइन मास्टर के ऊपर फुल एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। गुड बाय।